जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो साथियों, सबसे पहले जो बच्चे कल सीबीएसई बोर्ड में उत्तीर्ण हुए हैं, 99.37% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो उन सभी बच्चों को सक्षम एजुकेशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने जीवन में जो भी लक्ष्य वो चाहते हैं उसको वो हासिल करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा, आज यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज 3:30 पर जारी कर दिया जाएगा। कल यूपी बोर्ड की तरफ से इसके लिए जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया था, यानी कि निर्देश थे वो जारी कर दिए गए हैं। तो आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट 3:30 पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यूपी बोर्ड की साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो उसके लिए जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो अपने लक्ष्य को हासिल करें। और साथ के साथ साथियों, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और शेयर कर देता हूँ। हर साल सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन जो बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होते हैं उन बच्चों के लिए हर साल अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, और उसके साथ साथ उनको छात्रवृत्ति शुल्क भी दिया जाता है। तो इस वर्ष भी आपका वो प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। तो जैसे ही उसकी रूपरेखा होगी वो आपको बता दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं बच्चों का, जो अब क्वेश्चन है अपने एडमिशन को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि एडमिशन इस सत्र में किस तरीके से होने वाले हैं, चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी में हो या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हो। सीसीएस यूनिवर्सिटी में आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, एलएलबी, इन सब कोर्सेज को लेकर बच्चे काफी परेशान है कि कब से एडमिशन स्टार्ट होंगे, कब से एडमिशन का पोर्टल स्टार्ट होगा। तो उसके लिए भी मैं आज सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में या कहीं और आपको एडमिशन किस तरीके से लेना है। अब आगे बात करते हैं जो आज से हमारे लॉ के एग्जाम स्टार्ट होने हैं, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो आज से लॉ के एग्जाम स्टार्ट होने हैं, तो उसके लिए कल यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन जारी की थी। तो उन गाइडलाइंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पहले, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले भी आपको वो गाइडलाइन दिखाई देगी। तो उन गाइडलाइन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको यूएफएम ना लग जाए, यानी कि आपकी यूएफएम ना लग जाए, तो आप अपना जो एग्जाम से पहले उन गाइडलाइंस को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं जो हमारा यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है 6 अगस्त को, तो उसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि जो आपका एग्जाम सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर के आसपास में, यानी कि 600 मीटर के आसपास में कोई भी आपका फोटोकॉपी या कुछ इस टाइप का चीजें नहीं होंगी। तो थोड़ा सा इस बार हो सकता है जो आपका एग्जाम है थोड़ा सख्ती से हो। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपको तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, तो उसके लिए भी एक मैं सेपरेट वीडियो बना देता हूं कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे।